नमस्कार दोस्तों, आज 22 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं। जी दोस्तों, जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट हैं। यहां जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज का क्या बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां आई, कल के मुकाबले आज की बिक्री कैसी चली और कहाँ कहाँ के आलू। भाऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार राणा जी। नमस्कार जी। भाऊ जी कितनी गाड़ियां आ रही जी मार्केट में आज के? आज टोटल 105 गाड़ी है जी। कल से ये कम है जी, एक ज्यादा है जी? कल जितनी समझो 26 गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी है। अच्छा जी, टोटल 105 है, बैलेंस उसी में शामिल है 105। तो बैलेंस जो है नए की है कि पुराने की जी है? नए ही ज्यादा है, पुराना तो 2-3 गाड़ी होंगे। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। तो कल के मुकाबला आज रौनक कैसी है जी? रौनक ठीक है जी, ठीक है, बिक जाएंगे आलू। अच्छा जी, अभी तक तो इस समय का रौनक है जी। हाँ जी, संभल की है 34 गाड़ी जी। अच्छा जी, पंजाब की है 47 गाड़ी। अच्छा, टोटल 81 गाड़ी नए की है जी। टोटल 81 नए की है और 8 चिपसोना की है। अच्छा जी, 5 सूर्या। हाँ जी, 8 गाड़ी LR की नए की है पंजाब की। अच्छा जी, माछीवाड़ा साइड की। अच्छा जी, और स्टोर की है 3 गाड़ी, कुल मिला के 105 गाड़ी है टोटल। अच्छा जी, अच्छा। तो मार्केट कल के मुकाबला आज कैसी चली जी? जो नए आलू चल रही है जी, कल जैसी चल रही है। अच्छा, जो संभल के आलू हैं वो बिक रहे हैं 380 से लेके 425 तक। 380 से लेके 425 तक। पंजाब के जो बड़ी आलू हैं वो 300 से साढ़े तीन सौ जी। अच्छा जी, हाँ जी। और जो पंजाब के आलू वहाँ जा रहे जी बाहर, अभी तो दोबारा जाने लग गए जी ये? तो बाहर तो सुना है मैंने, डैमेज पहुंचे हैं वहाँ। अच्छा जी, बाकी अब ट्रॉले से जा रहे हैं, बड़े ट्रक से। अच्छा, उसमें लेट हो गए यानी ट्रेन लेट हो गए ट्रेन में? अच्छा, लेट की वजह से भी नुकसान हो जाती है इसमें? जो डिब्बे अलग अलग आते हैं, जो पूरी ट्रेन होती है वो तो जल्दी पहुंच जाती है। अच्छा जी, जो डिब्बे अलग अलग जाते हैं जैसे 10 डिब्बे 5 डिब्बे वो उनका कोई टाइम का बाउंड नहीं होता। अच्छा जी, जो पूरे 21 डिब्बे की ट्रेन जाए तो वो पूरी टाइम से पहुंचती है। अच्छा जी, यानी जो टूटवे डब्बे जाएंगे कोई 5 का कोई टाइम नहीं होता, तो उस समय कहीं भी रुक जाते हैं। यानी वो तो फिर लेट हो गए ना, उसके कारण भी वो डैमेज हो गए, लेट के कारण डैमेज हो गए। अच्छा, जो ये गाड़ियों में जाएंगे सीधा जल्दी चले वो जल्दी पहुंच जाएंगे। अच्छा, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। डिमांड है चारों तरफ आलू की, बंगाल की, सिलीगुड़ी की, बिहार की, सब तरफ से ट्रॉले लोड हो रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा जी, डिमांड अच्छी है। साउथ की तरफ भी जा रहा जी माल? तो इधर माल जा रहा है जी, सब तरफ डिमांड है आलू की, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी, जो अपना ये बंगाल में आलू नुकसान हुआ जी भयंकर, हाँ जी, उधर भी कईयों से बात हुई जी, तो ये कह रहे कि हमारे यहाँ तो दोबारा लग ही नहीं पाया जी, क्योंकि इतने किसान सक्षम नहीं है वहाँ के जो दोबारा उसको लगा ले। गरीब किसान है, पंजाब वालों ने तो लगा लिया था अपना जब पहले वो बरसात आई थी। अब कुछ लेट भी हो गया ना राणा जी वहाँ? अच्छा जी, वहाँ की धरती ऐसी है पानी सूखने में टाइम लगता है। अच्छा जी, तो आलू का, गेहूँ का, हर चीज़ का, सब्जी का एक टाइम होता है, जब वो पीरियड निकल जाए तो वो इतनी यील्ड ही नहीं देगा। अच्छा जी, जितना बीज डालोगे उतना ही निकलेगा। अच्छा जी, यील्ड नहीं देगा। वो कह रहे कि अब की बार जो अपना उत्तर भारत का आलू है इसके ऊपर भी वहाँ की दारमदार रहेगी, क्योंकि राशन का आलू इधर से ही जाएगा जी। देखो ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है। अच्छा जी, कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते आलू का, फिलहाल बिक्री ठीक है, चारों तरफ की डिमांड है, आलू जा रहा है कच्चे में। अच्छा जी, और निकल जाए जितना कच्चे में उतना अच्छा है स्टोर वालों के लिए, पक्के वालों के लिए। अच्छा जी, आलू को किसान भाई निकालना चाहिए, हर भाव लेना चाहिए कच्चे में, बाकी पक्के का जैसा भाव मॉल बनेगा वैसा बेचते रहेंगे धीरे 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 धीरे। अच्छा जी, आलू की अभी तो कोई घबराहट है नहीं। अच्छा जी, पर रेट कम है ना जी? रेट कम है जी, कच्चे के रेट कम है जी इसमें? रेट तो कच्चे में रहना जी ऐसा ही होगा ना, जब अराइवल ज़्यादा आएगी, हर आदमी ने गेहूँ लगानी है, कुछ लगाना है, फसल लगानी है, तो आलू को तो ख़त्म करेगा निकाल के, आगे गेहूँ की फ्री की फसल हो जाती है। अच्छा जी, तो वो इसलिए आलू रखेंगे नहीं वो, अब थोड़े दिन बाद जब गेहूँ का टाइम ख़त्म हो जाएगा, हाँ जी, फिर थोड़ा कम होगा मंडियों में अराइवल। अच्छा जी, अभी गेहूँ की वजह से अराइवल ज़्यादा है। ये कह रहे कि 15 जनवरी तक लोग बोते रहते हैं यूपी में भी और पंजाब में भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, 15 जनवरी तक गेहूँ लगाने का टाइम है, उसके बाद देखो डेरियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं फिर। अच्छा जी, फिर कम होगा आलू आना। अच्छा जी, देखो कोई परमात्मा करे बीमारी ना फैले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी किसान भाई को नुकसान ना हो, कोई बीमारी ना लगे। अभी थोड़ी थोड़ी पंजाब में माछीवाड़ा साइड में शोर डला हुआ है, ब्लाइट डल गई, ब्लाइट आ गई आलू में।
अच्छा जी, अब देखो इसका क्या असर होता है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सब किसान भाइयों का माल सुरक्षित रहे, सुरक्षित निकले, अच्छा भाव मिले उनको, उनको अच्छा भाव मिलेगा तो हमें भी फायदा रहता है, हमारी भी आदत बनती है। अच्छा जी, आजकल 300-400 रुपए कट्टे बेच के हमारी भी क्या आदत बनती है। ठीक है जी, इस साल तो ड्राइवर को, ट्रक मालिकों को फायदा है या पल्लेदारों को फायदा है? अच्छा जी, 100 रुपए, 90 रुपए, 80 रुपए से लेके 100 रुपए तक किराया आ रहा है पंजाब से। अच्छा, जैसे जिसकी जगह है, पिछले साल इन दिनों आता था 50 रुपए, 60 रुपए किराया कट्टे का। अच्छा जी, इस साल किराया बहुत है ट्रकों का और पल्लेदारों की मजदूरी बहुत है। अच्छा जी, बस इसी में ही बराबर हो रहे और बारदाने के अंदर जी। बस किराया बढ़ा हो गया और मजदूरी, बस ट्रक का किराया हो गया, मजदूरी हो गई 25-30 रुपए की, किसान खाली बोरी लगाता है 40 रुपए उसके खुदाई के लगते हैं। अच्छा जी, किसान के पल्ले कुछ नहीं राणा जी पड़ रहा, कम से कम 10 रुपए किलो किसान का आलू बिके तो उसको पैसे पूरे होते हैं, यानी 500 रुपए कट्टा जी है, 500 रुपए कट्टे की उसकी बचत होनी चाहिए जी। हाँ, 500 रुपए कट्टा बिके तो उसके पैसे पूरे होते हैं। देखा जाए तो 10 रुपए किलो तो कोई ज्यादा भी नहीं है जी, क्या पता भी क्या सिस्टम बन गया आलू का, सबसे बाहर हो गया जी आलू का तो समझ नहीं आ रही, प्याज लहसुन हर चीज तेज है आलू को छोड़ के। अच्छा जी, हर चीज तेज है, प्याज भी तेज है, लहसुन बहुत तेज है, लेकिन आलू का कोई सुधार हो नहीं रहा, आलू का सिस्टम सबसे बाहर हो लिया जी, आलू का काम सबसे बाहर हो गया है। हर आदमी आलू के परेशान है, जो माल बेचता है 3 आदमी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जो माल हमें बेचता है वो भी परेशान है। अच्छा जी, हम बेचने वाले भी परेशान है, किसको दें, सुबह फोन आ जाता है 8 गाड़ियां 6 गाड़ियां, पहले ये दिमाग में हो जाता है 3 बजे उठ के किसको देंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, जो आगे ले जा रहा है उसको भी परेशानी है। देखो जी, 2000 का 1500 का कट्टा बिके तो रेडी पेड़ी वाले आलू डालने की हिम्मत नहीं रखते। अच्छा, अब 300-400 कट्टा 2 कट्टे रेडी में पलटते हैं अपनी, बेचते हैं गलियों में, और आलू का भाव महंगा हो तो हर आदमी की लेने की उसकी हिम्मत नहीं होती। ठीक है जी, फिर तो पक्का जो दुकानदार है जिसको उधार मिलता है वही लेगा, अभी तो जिसकी जेब में 700 रुपये है वो 2 कट्टे अपनी रिक्शा में डालेगा, गली 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 बेचेगा। ठीक है जी, बात आप, वो 10 रुपये किलो 12 रुपये किलो बेचते हैं, सुबह बेचारे 5 बजे से लगते हैं, रात को 11 बजे तक खाली नहीं होते, किसी को कोई फायदा नहीं है, 3 आदमी इन्वॉल्व है, तीनों परेशान है इसमें, किसान भी परेशान है, हम भी परेशान है, जो आगे हमसे ले जाता है वो भी परेशान है, सारी परेशान है। इसलिए ऊंचा थोड़ा सा भाव बना रहे तो सब कुछ रहते हैं, सबको 2 पैसे मिलते हैं, जो आगे ले जाता है वो भी 5 रुपये किलो का मार्जिन हो, अब आलू 5-6 रुपये किलो है तो मार्जिन उसका क्या होगा, 10 रुपये खुला बेच रहे जी। ठीक है जी, एक बोरी में ज़्यादा कर उसको 200 रुपये बचेंगे बेचने वाले को, उन्हें 2 बोरी उसमें कोई मिट्टी निकलेगी, कोई हरा निकलेगा, कोई छिलका निकलेगा, ऐसे कुछ नहीं बचता उनको भी। अच्छा जी, वो भी परेशान है, उनका भी बहुत खर्चे हैं, बच्चों की फीस देनी है, मकान का किराया देना है, कमेटी डाल रखी है, कमेटी की किस्त देनी है, वो सब पैसा मंडी वाले आड़तियों का ही रुकता है इस टाइम बंदे में। अच्छा जी, ये भी बात है। उनको तो जो खर्चे हैं उन्होंने शराब भी पीनी है, कमेटी भी देनी है, बच्चों की फीस भी देनी है, मकान का किराया भी देना है, सारे खर्चे उन्होंने हमसे निकालने हैं। ठीक है जी, बात आपकी। जो 5 कट्टे बेचेगा वो अगर 2500-3000 रुपया बट भी लेगा तो हमें क्या देगा, घर का खर्चा कैसे चलाएगा, कुछ नहीं होता। गाँव वाला का तो और बुरा हाल हो रहा जी बेचारों का, गाँव वाला का तो जो समझ लो बस खाली एक दूध और अनाज है जी अपना घर का। कम से कम किसान को 500 रुपये आलू बिकना चाहिए मंडी में आजादपुर में। अच्छा, कच्चेगा जब किसान के पैसे पूरे होते हैं, वो भी पैसे पूरे होंगे इसके, उसके बाद जो ऊपर बचेगा वो बचत होगी। अभी तो बिकी 300-400 रुपये रहा है, 300-400 तो संभल का बिक रहा जी, पंजाब वाला तो नहीं 400 का तक है, पंजाब वाला भी अच्छा आलू 350 रुपये मिल जाता है। अच्छा जी, अच्छा, और आज की इसकी LR की कैसी चल रही जी पोजीशन? LR की बिक्री कमजोर है, LR की बिक्री है समझो जी 8 रुपये से लेके 10 रुपये तक, 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक, 10 रुपये जो पास हो जाता है वो 10-11 बिकता है, जो मीडियम आलू है छोटा है जो पास नहीं होता वो 8-9 रुपये किलो बिकता है। अच्छा जी, अच्छा, उसकी किर्री बिकती है 200 से 250। अच्छा जी, आज क्या आपने लंगर लगा रखा जी आलू का, जो लगातार इतनी भीड़ हो रही है, क्या थोड़ा कम रेट में दे रहे जी इसको? नहीं, कम रेट में नहीं दे रहे, बस सही है, पंजाब के आलू हैं, बिक्री गाहक लेता है, संभल का थोड़ा लेट लेता है गाहक, भाव ज़्यादा होता है। अच्छा, जो रेडी रूडी वाले हैं वो कम रेट का लेते हैं। अच्छा, संभल और पंजाब में 100 रुपये का 80 रुपये का डिफरेंस है। अच्छा जी, अच्छा,
ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद सर जी। फिर यानी कल से बिक्री कैसी मानी जाएगी? बिक्री अच्छी है राणा जी, बिक्री अच्छी है, रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है। आज शुक्रवार है ना, लोगों को डर रहता है शनिवार तेज न हो जाए, इतवार को मंडी बंद रहती है। अच्छा। कई लोग कल का भी लेके रख जाते हैं। अच्छा, शनिवार के लिए भी लेके रख जाते हैं। बिक्री ठीक है, रेट में कोई डिफरेंस? रेट 10-20 रुपए का फर्क है, ज्यादा नहीं है। बिक्री ठीक है, माल बिक जाएगा सारा। 10-20 रुपए का अप है, अप है, तेजी है। नहीं तेजी, बढ़िया बढ़िया माल में तेजी है जी। तेजी तो 1 रुपए की भी ठीक है जी, 1 रुपए भी बाजार तेज होता है ना, हलचल हो जाती है मंडी में। बिक्री ठीक है, बैलेंस नहीं बचना चाहिए। जैसे कल 26 गाड़ी बच गई है नए आलू की। हाँ जी, नए आलू की बैलेंस नहीं बचना चाहिए। अच्छा जी, ये अब रिवाज बढ़ा है हमारे तो, इतने साल 50 साल हो गए काम करते, नए आलू का भी बैलेंस नहीं बचता था। अच्छा जी, अब रिवाज हो गया, बैलेंस बचने लगा। पहले जो कभी भी नहीं बचता था जी? ना जी, 700-700 गाड़ी दिल्ली में आती थी, एक दाना भी बैलेंस नहीं बचता था। जो जितनी देर में आती थी वो और 5-10 रुपये तेज बिकती थी। बाद वाली गाड़ी जी? बाद वाली गाड़ी। अब जो बाद वाली आ गई ना, उसको जगह मिलेगी लगाने की ना कुछ? तो बाद वाली तो कल पर चली जाती है, जो लेट आ रहा है। सिस्टम बदल गया जी, सारा सिस्टम। आपने बाबू जी कितनी गाड़ियाँ बेची जी अपनी दुकान पर, अपनी उसमें? मैंने 40-50 गाड़ी रोज बेची है जी, पुराने समय में जी। अब 70-80 गाड़ी पूरी मंडी में बिकती है। इस मंडी में 150 गाड़ी बेचने वाले भी आड़ती थे हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने। एक आड़ती के बाद 150 गाड़ी आती थी रोज की, उस समय में जी, उस समय जी। और जो लेने वाले हैं आड़ती के आने से पहले डेरी में पलट के बैठ जाते थे, भाई ये गाड़ी मैंने लेनी है। उसने 5 मिनट में बोली लगानी, उन्होंने कट 150 गाड़ी 1 घंटे में बेच देनी है। और अब रिवाज ही बदल गए जी सारा। अब तो सारा दिन का काम है, 1 कट्टा 2 कट्टे 5 कट्टे ऐसे बिकता है आलू। अच्छा जी, ये छोटी मंडियाँ भी खुल गई ना जी ग्राहक? जब आजादपुरी मंडी थी, कोई मंडी नहीं थी उस टाइम। हाँ जी, सब माल इधर आता था, और पंजाब में था आतंकवाद, पंजाब में कोई किसान जाता नहीं था, ना जलंधर, ना नवाशहर, ना हुशियारपुर, सब दिल्ली आता था। दिल्ली से माल डिस्पैच होता था सारा, चाहे कलकत्ता हो, कहीं भी हो, राजस्थान में हो, सारा व्यापारी दिल्ली में रहता था उस टाइम। आतंकवाद के टाइम कोई भी नहीं पंजाब में डर के मारे जाता था, सारा माल दिल्ली, 700 गाड़ी, 600 गाड़ी, 500 गाड़ी रोज की आनी। अच्छा जी, और यूपी में भी इतना ही लगता था जी पहले आलू? यूपी में भी इतना लगता है, बेल्ट यूपी की ज़्यादा बढ़ी है जी आलू की? नहीं, पंजाब का अच्छा रेट मिल जाता है ना शुरू में। अच्छा, उस टाइम डिमांड रहती है आलू की। अच्छा, अब इस टाइम तो घर घर आलू है, हरियाणा में आलू है, यूपी में आलू है, हर जगह आलू है, हर घर में आलू है। यहाँ से 20 किलोमीटर चल जाओ तो वहाँ आलू है। अच्छा जी, जब पंजाब का शुरू में अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में चलता है, उस टाइम नए आलू कहीं नहीं होता। अच्छा जी, उस टाइम पूरे हिंदुस्तान की नए आलू की डिमांड होती है, उस टाइम सारा व्यापारी यहाँ आता था। अच्छा जी, अब कोई नहीं आता, कोई हुशियारपुर चला गया, वो कहीं चला गया, वो कहीं। लोकल मंडियाँ खुल गई जी हमारे यहाँ, जब से कमीशन आगे से हो गई है ना। हाँ, लेने वाले से तो गाहक कम हो गया बहुत यहाँ। अच्छा जी, वो कहते हैं मैं 100 रुपये का लूँगा तो मुझे 7 रुपये तो खर्चा पड़ जाना है। अच्छा, वो डायरेक्ट खेत में चला जाता है हुशियारपुर में, वहाँ से भरवा लेते हैं, एक तो सामने ताज़ा। अच्छा जी, पहले कमीशन किसान पे थी तो बिक्री ज़्यादा थी दिल्ली में। अच्छा जी, अब किस लेने वाले पे कमीशन हो गई है 7%, 1% मार्केट फीस, 6% आड़। यहाँ भी तो कई बार ये करते हैं जी ना जी, मैं तो इतने का लेऊंगा जी, नेट कर लो जी इतने का जी। नहीं, वो नेट तो अच्छा नहीं है, नेट तो जो गवर्नमेंट नहीं मानती, कमीशन तो 7% देनी पड़ती है ग्राहक को। अच्छा जी, जो ये छोटे मोटे हैं पल्लेदार वगैरह, वो नेट भेज देते हैं, जो लेके यहाँ से भेजते हैं, हम लोग तो नेट कभी नहीं भेजते। अच्छा जी, हम तो 7% लेना ही लेना है, चाहे 100 रुपये का हो या 1000 का हो, 7% हमने लेना ही लेना है। ठीक है, हमें 1% मार्केट फीस चली जाती है, 6% हमारा। अच्छा जी, अच्छा, आपका 6% 1% मार्केट। हाँ, वो किसान से तो जो किसान माल जाएगा यहाँ कहीं का भी, किसान जो भी लाएगा उस पर कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ उसको ट्रक का किराया देना है और 5 रुपये कट्टा मजदूरी देनी है, पल्लेदार की मजदूरी है। पल्लेदार हो, तोल वाला आलू हो तो 9 रुपये कट्टा है। अच्छा जी, अच्छा, जो तुला हुआ हो तो 5 रुपये कट्टा है, और किसान पे यहाँ कोई खर्चा नहीं है। जो कोई लेता है उसकी बेचक APMC में कोई कंप्लेंट करे, कुछ भी करे, उसकी मदद की जाएगी। अच्छा जी, किसान पे कोई भी 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है, बस अपने चाहे अपनी गाड़ी में जाओ, या चाहे वो ट्राली में ले आए, चाहे ट्रक में ले आए, चाहे जैसे भी ले आए, या मजदूरी लगनी है बस उसकी। अच्छा जी, अच्छा, और कुछ नहीं। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद आपका भी, सब किसान भाइयों का, व्यापारियों का, स्टोर मालिकों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब किसान भाइयों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि जितना हाईब्रिड है ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे में निकाल दें। अच्छा, बहुत स्टोर में सूर्या, चिपसोना, 37-97 ऐसी क्वालिटी रखे, ज्योति आलू पंजाब का,
जो खाने में अच्छा और टेस्ट में बिके भी अच्छा, दो पैसे उनके बने, क्योंकि स्टोर का किराया तो उतना ही लगना है, चाहे आप हाईब्रिड रखो या सूर्या रखो, खर्चे उतने ही हैं। हाईब्रिड किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, कच्चे में ज़्यादा निकाल के बढ़िया सुपीरियर क्वालिटी का आलू स्टोर में रखें, दो पैसे उनको भी मिले, आड़तियों को भी फायदा हो, खाने वालों को भी आलू खाने का स्वाद आए। यह बात में ना जी, इस बात में लास्ट वाली बात में दम है भी, खाने वालों को स्वाद आए क्योंकि उगारा किसके लिए, खाने वालों के लिए, और जो खाने वालों को स्वाद ही ना आए जी फिर क्या बात करेंगे। आजकल राणा जी लोगों को क्वालिटी इतनी है, पैसा इतना है, क्वालिटी की पहचान है, वो भाव पूछते नहीं। अभी भी देखो 300-400 का भी आलू बिक रहा है और दिल्ली में सूर्या 900-1000 का भी बिक रहा है। ठीक है जी, बात आपकी, खाने वालों को पहचान है आलू की, दम है जी बात में, आज की तारीख में है जी वाकई, आज की तारीख में भी 900-1000 रुपये भाव है सूर्या का, पुराने का जी, बढ़िया का। अच्छा जी, और ये बिक रहा है 300-400। बताओ जी, ये हाईब्रिड है जो कच्चा आ रहा है अभी? हाँ जी, नया आलू, ये सारा हाइब्रिड है, खाने वालों को पहचान है। दिल्ली में क्वालिटी के पैसे मिलते हैं, आप जितनी ग्रेडिंग करके लाओगे, छटाई बढ़िया करके लाओगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले माल बिकेगा, जितना भी मंदा हो आपका माल पहले बिक जाएगा, आपको घाटा नहीं होगा। अच्छा जी, अगर आप खरीद के भी बेचोगे तो मंदे में भी आपको क्वालिटी बढ़िया होगी तो घाटा नहीं होगा। अच्छा जी, दाम पूरे हो जाएंगे। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, यह बात जबरदस्त कही जी आपने। दोस्तों बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों आलू का ही काम है जी।